अमेजिंग, वाह क्या खूबसूरत शानदार हसीन कलर है ये जनाब। मैं आज आपके सामने पेशे खिदमत कर रहा हूँ एग्स अंडे, और इससे पहले भी आपने शायद कभी ना देखे हो या हो सकता है देखे हो, लेकिन इसकी खूबसूरती देखिए आप कैसी है। क्या इस पर कार्विंग की हुई है ऑरेंज कलर में, ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में। उसके अलावा आप देखें कितना खूबसूरत कलर है ये एवेंचुराइन में, और उसके अलावा देखें आप ये वुडन कलर में, और ये देखें आप एक्स, ये एक्स थ्रॉपी भी होती है जनाब। दुनिया जहाँ के अंदर हम लोग घरों के अंदर जब बैठे होते हैं तो निगाहें हमारी मूव करती रहती हैं इधर उधर चीज़ों को देखने के लिए, या कोई घर में आता है ड्राइंग रूम के अंदर तो लाजमी उसकी निगाह जो है ना घर में मूव करती है कि यहाँ पर देखें क्या चीज़ रखी हैं। तो बात होता ही होता है कि इंसान के ऊपर निगाह पड़ने के वो किसी चीज़ पर चली जाती है। तो अमूमन घर के अंदर ये होता है कि इसका स्टैंड भी आता है एग का, वो स्टैंड बना के एग घर के अंदर रख दिया जाता है, तो लोग बेसाहत सुई में देखने लगते हैं ये अंडा यहाँ क्यों रखा हुआ है। तो एक्चुअली अंडा एक शेप है ना, तो बेसाहत से दिमाग में अंडे का ही तस्वुर आएगा, और अंडा जो नज़र भद के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वाइट एग होता है और वाइट रंग का भी एग है मेरे पास मौजूद, ये देखिए ये मौजूद है वाइट कलर के भी ना, तो वाइट में, ऑरेंज में, ब्लैक में, ब्लू में, और उसके अलावा बहुत सारे कलर में देखें ब्लूइश कलर मेरे पास मौजूद है ये है। तो इस अंडे को जो है वो आप घर के अंदर रख सकते हैं, अंडे का शेप देके और उसको जनाब किसी स्टैंड पे रख दीजिए, या कहीं के मोखे में कहीं इस तरह 3-4-6 अंडे डेकोरेट कर दीजिए, तो देखने वाले आएंगे तो बेसाहता उनकी निगाह बजाय आपके ड्राइंग रूम की अच्छी चीज़ों पर हो सकता है। बहुत खूबसूरत सोफा सेट हो घर में रखा हुआ, या बहुत आपने हाई फाई किस्म का अपना ड्राइंग रूम बनाया हुआ हो, या घर के अंदर कोई छोटा फ्लैट है तो उसके अंदर भी आपने कोई जगह बनाई, तो वहाँ पर जनाब एक उसके अंदर चीज़ रख के उसमें से 3-4 अंडे रख दीजिए, ये 5-6 अंडे, तो लोग आके उसके ऊपर उस जो नज़र उसकी अंडों में पड़ेगी तो वो नज़रबंद भी ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी ये कि आप भी बार बार उसे देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर एक अच्छा तस्वीर आएगा सोच के, क्योंकि अंडा को जो है ना वो एक अच्छा उसमें समझा जाता है कि भाई आप उसको अपने घर में रखा हुआ है आपके हाथ में है, तो उसको देखे हम लोग खेलना भी शुरू करते हैं बाद, तो अपने हाथ से तोड़ भी देते हैं असली अंडे को, तो असली अंडे तो यहाँ लगा के नहीं रह सकता क्योंकि मेरे तो काम ही पत्थरों का है, मैं तो हर चीज़ पत्थरों में ही निकाल के आपको बनाऊँगा, चाहे वो अंडे हो, मक्खन तो नहीं बना सकता लेकिन अंडे हों, या इसके अलावा जो आप मैंने पैरामिड्स, अभी इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा उसके अंदर पैरामिड्स की हीलिंग होगा कि घर में पैरामिड्स भी रखना चाहिए, ये रखने के लिए जो है वो डेकोरेशन भी है। अब पैरामिड्स का एक तसव्वुर ये है कि जनाब वो पैरामिड्स जो बने हुए हैं उसके अंदर वो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, उसके रखने के ये फ़ायदे मौजूद हैं, तो वो पूरा एक चैप्टर अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, आज तो अंडों का चैप्टर है जनाब। आपको अंडे दिखा रहे हैं तो ये देखें, ये मैंने बाकायदे देखें कार्विंग किया अंडा है ना, ये देखें कितना खूबसूरत अंडा है, वाइट के ऊपर देखें अलग ही नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर कार्विंग कर डिज़ाइनिंग कर दी है। तो इसको ये इस अंडे का भी अमूमन एक्चुअली मकसद तो वही है, 7 चक्रा जो है चक्रा के अंदर हीलिंग के लिए, कि आप जिस तरीके से अभी मैंने आपको सोप दिखाया था ना, सोप को हाथ में लिए तो इस तरीके से इस एग को भी अपने हाथ में लेकर रख सकते हैं, एग की शेप भी अच्छी रहेगी और चूंकि इसका साइज़ भी बढ़ाएगा, और चूंकि ये जो मैंने बनाए हैं इसके अंदर इस किस्म के पत्थर हैं जो कि चीप और बेस्ट हैं, तो इस अंडे को भी आप घर के अंदर रख सकते हैं, कलर हीलिंग के लिए भी रख सकते हैं, आंखों की खुशनुमाई के लिए भी रख सकते हैं, डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हैं, प्लस अपने हाथ में लेके इसे खेल भी सकते हैं, खेल के अंदर ही जो है ये आपको हील करेगा। ये देखें आप ब्लैक ऑक्सोडाइन है उसके अंदर बनाया हुआ है, ब्लैक ऑनेक्स अंदर मिल जाएगा आपको, हर चीज़ में जो पत्थर में आप कहेंगे जो चीज़ कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपको मोल्ड करके बना के दे दूँगा। ये पत्थर तो बहुत हैं मेरे पास, मोर देन 350 सामने जवाहरात के पत्थरों की जो मैंने जमा कलेक्ट की है, चूँकि शॉप मेरी इतनी बड़ी नहीं है तो उसमें सारी एक वक्त में सब चीज़ें ना तो मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ नहीं एक वक्त में से आपको दिखा सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ इस अभी ये भी मेरे पास रखे थे नीचे शोकेस में, अब शोकेस के अंदर ले जाके आपको दिखाऊंगा तस्वीर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैंने आज आपके सामने खसूस तौर पर डिस्प्ले किए हैं ताकि आप इसको देख सकें, कभी आपको अंडा अगर मिल जाए मौके से तो आप उसको उठाए घर के अंदर डेकोरेट कर सकते हैं, अगर इसके साथ इसके स्टैंड हो तो अच्छी बात है, वरना कोई चीज़ हो ऐसी जिसके अंदर इसको खड़ा कर दिए, घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से वो बने होते हैं डेकोरेट करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं ये देखिए इसमें इतना स्पेस है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और चीज़ें भी हैं बहरहाल इत्तेफाक से कभी मेरे हाथ में वैसी चीज़ आ नहीं रही यहाँ रखी हुई, बहरहाल इसका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वक्त आपको स्टैंड में दिखा दूँगा। अभी साल ये गुलदान रखा हुआ है, ब्लैक गुलदान एक अच्छी अलामत समझा आता है, ये इस पर भी कार्विंग हुई है ना, आप देखें कितना शानदार कार्विंग हुई, और इसके ऊपर जाना आपने इस अंडे को सजा के रख दिया,
आने वाला पहले यही सोचेगा कि भाई घर के अंदर तो अमूमन ये होता है कि इसमें फ्लावर लगे हुए होते हैं, ये इन्होंने क्या किया हुआ, तो वो उसकी निगाह जो निगाह उसकी जो नज़र है वो इसी के ऊपर ही जो है वो रुक जाएगी और उसके बाद वो इसको देखता रहेगा चंद मिनट तक, तो उसकी जो नज़रें हैं वो इस ऊपर से देखने से नज़रें बद जो है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और इसे बेनतहा बेनिफिट्स हैं। फिलहाल तो इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे पर्पज़ है बहुत शॉर्टली आपको मूवी के अंदर मैं बताता हूँ, क्योंकि टाइम का मुकाबला साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना होती हैं। तो आज का जो मेरा एक सेगमेंट है ये मैंने आपको बता दी, एग्स की भी बड़ी पावर होती है, इसको घर में रख सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और शोपीस की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ में हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप अपने घर में इसको रखिएगा, और अगर आपके अंडे चाहिए तो मेरे पास से मिल जाएंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, सस्ते अंडे मिलेंगे आपको, 300 रुपये का 400 रुपये का एक अंडा पड़ेगा नॉर्मली, कारी वाला ज़रा महंगा होता है, ये 1000 रुपये करीब पड़ेगा। तो आप ही मुझसे लेके जाइए, इसको रखें घर में और उसके बाद इसे हील भी कीजिए, डेकोरेट भी कीजिए, ज़्यादा चाहिए तो और कम में हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट दीजिएगा मुझे, और उसके अलावा प्लस ये है कि चैनल के अंदर सिर्फ बटन को प्रेस करना कतई मत भूलिएगा, उसको लाजमी उसको प्रेस कर दीजिए, बेल आइकॉन जो है उसको भी अपने हाथ से पुश कर दिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंच सके, और ये चीज़ें लोग ये नायाब चीज़ें हैं इतने बड़े एक बनाते काम है मेरे पास तो बहुत बड़ी चीज़ें जो भी आपको मैं दिखाता रहूँगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।